सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में भले ही काफ़ी पैसे खर्च हुए हों, मगर इसका फायदा देश को विदेशी निवेश के तौर पर मिला है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं चर्चा में रही हैं। विपक्ष इन यात्राओं पर होने वाले खर्चों पर सवाल उठाता रहा है। अब सरकार ने इन यात्राओं पर होने वाले खर्चों को लेकर सफाई दी है। सरकार का कहना है कि विदेश यात्राओं पर खर्च भले ही ज्यादा हुआ है, मगर इसका फायदा विदेशी निवेश के तौर पर देश को हुआ है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर जून 2014 से अब तक चार्टर्ड प्लेन्स, उन प्लेन्स की मेंटेनेंस और हॉटलाइन सेवा पर कुल लगभग 2021 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए हैं। हालांकि विदेश राज्य मंत्री के ही आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2010 से 2014 के बीच यूपीए 2 सरकार के दौरान तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चार्टर्ड प्लेन्स, उन प्लेन्स की मेंटेनेंस और हॉटलाइन सेवा पर कुल लगभग 1346 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वीके सिंह ने बताया कि 2014 में 30,931 मिलियन डॉलर के मुकाबले 2017 में देश में आने वाले एफडीआई बढ़कर 43,478 मिलियन डॉलर हो गए। वीके सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री के इन विदेश दौरों की वजह से देश में आने वाले विदेशी निवेश में बढ़त आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभालने के बाद कुल 48 विदेश दौरों में 55 देशों का दौरा किया। हालांकि अगर एफडीआई की विकास दर पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2007 में ये 155% थी, जो वित्त वर्ष 2018 में घटकर सिर्फ 3% रह गई। यूपीए 1 के 5 साल के दौरान एफडीआई विकास दर की सीएजीआर 62.2% थी, जो बीजेपी शासन के 4 साल में 11.1% रही। वहीं दूसरी तरफ पोर्टफोलियो निवेश की विकास दर की हालत भी गंभीर रही और 2018 में तो 93,580 करोड़ रुपए की निकासी के साथ अब तक की सबसे बड़ी निकासी देखी गई। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कैसे ज्यादा खर्च और विदेशी दौरों के बावजूद देश में एफडीआई और एफपीआई दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।